हम आपके लिए एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जिसको जिसके बारे में आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आज से पहले पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी ने भी लॉन्च नहीं किया. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर लॉन्चिंग दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट. और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लॉकडाउन प्रूफ है. लॉकडाउन का कोई भी असर इस प्रोडक्ट के ऊपर नहीं होगा. इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए या आगे बेचने के लिए आपको कोरियर्स के ऊपर, शिपिंग के ऊपर, ट्रक्स के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा. सो दिस इज लॉकडाउन प्रूफ और ये आज की जरूरत है. शायद सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई हमारे लिए जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है जिसकी अभी हम बात करने वाले हैं. वेल, इससे पहले कि मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, आइए थोड़ा सा बात करते हैं अपने मोबाइल फोन्स के बारे में. हम जानते हैं कि हमारी मोबाइल फोन्स अब हमारी जीवन रेखा के बराबर है. इनफैक्ट हमारी जो पूरा जिसे हम कहते हैं लाइफ है वो हमारे मोबाइल फोन में आ चुकी है. हम अपने मोबाइल फोन से सुबह से लेकर शाम तक न जाने कितनी बार कई सारे काम करते हैं. चाहे खाने का ऑर्डर करना हो, चाहे शॉपिंग करनी हो, मोदी के बिजनेस की ऑर्डरिंग करनी हो, आपके मोदी के का स्टेटस आपने चेक करना है, पेमेंट्स करनी है, वगैरह वगैरह सब कुछ हम आजकल जो है मोबाइल फोन्स में करते हैं. एंड नाउ मोबाइल फोन्स आर आर लाइफलाइन. लेकिन अपनी लाइफलाइन को, अपनी मोबाइल फोन की हम सुरक्षा कैसे करते हैं, उनको हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? वेल, ज्यादातर लोग या तो एक कोई हार्ड कवर यूज कर लेंगे या एक स्क्रीन गार्ड यूज कर लेंगे. लेकिन इस प्रोटेक्शन से हमारे मोबाइल फोन को एक फिजिकल इंजरी से, फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्शन तो मिल जाती है, पर क्या वाकई में जो मोबाइल फोन के अंदर हमारा पूरा लाइफ हिस्ट्री छिपा हुआ है, सेव्ड है, हमारी फोटोग्राफ्स, हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की डिटेल्स, हमारा सोशल नेटवर्किंग का डिटेल, हमारे मैसेजेस, जो सब कुछ उसमें सेव्ड है, क्या वो डेटा प्रोटेक्टेड है? वेल, आपने सही गेस किया, नहीं. तो आइए चेक करते हैं कि क्या हो सकता है अगर हमने अपना डेटा प्रोटेक्ट नहीं किया. क्या हमारे ऊपर भी कोई हैकिंग अटैक हुआ है या नहीं, क्या आप जानना चाहेंगे? तो एक टूल है हमारे पास और उस टूल में आप अपना ईमेल आईडी जो भी यूज करते हैं वो डालिए और आपको ये मालूम चल जाएगा कि पास्ट में क्या आपका ईमेल आईडी हैक हुआ है या नहीं, या कोई डेटा ब्रीच हुआ है या नहीं, या जो आपकी सेंसिटिव प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो हैकर्स तक पहुंची है या नहीं. और इस टूल को यूज करने के लिए आप जा सकते हैं mightyguardalert.modicare.com पर, या आप इस QR कोड को स्कैन करें अपने मोबाइल फोन से और ये URL आपके ब्राउजर में खुल जाएगा. तो आइए इसको भी हम यूज करते हैं. सो मैं अपने लैपटॉप में ब्राउजर ओपन कर रहा हूं एंड आई एम गोइंग टू mightyguardalert.modicare.com और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये दिखा रहा है कि अभी तक एक बहुत बड़ा नंबर है, 95 करोड़ अकाउंट्स हैक हो चुके हैं. मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा ईमेल आईडी में जो डेटा था क्या वो किसी हैकर के पास पहुंचा है या नहीं. तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस के सर्च यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालता हूँ, sharadchaudhary@aol.com. ये ईमेल आईडी मैं काफी टाइम से यूज कर रहा था और मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ सिक्योर. देखते हैं क्या बताता है, मुझे खुद बहुत डर लग रहा है. ऊप्स. सो ईमेल sharadchaudhary@aol.com फाउंड इन 15 नॉन डेटा ब्रीचेस. ऑफ माई गॉड, मैंने कभी एडोबे के ऊपर रजिस्टर किया था तो यहां से मेरे ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, हिंट पासवर्ड्स, यूजर नेम हैकर्स के पास पहुंच चुके हैं. और जिन जिन वेबसाइट्स के ऊपर मैंने रजिस्टर किया, ये 15 ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से हैकर्स ने मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, इवन अ वेबसाइट लाइक लिंक्डइन, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वहां से लीक हो गया, या माई स्पेस जो कि एक बहुत पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी, या नेट लॉग. सो दिस इज वेरी 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 स्केरी, बहुत ही डरावना है कि 15 बार मेरी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड्स लीक हुए हैं. सो ये टूल हमें बताता है कि हम किस तरह के इस समय टेक्नोलॉजी का जो हमारा पूरा दौर चल रहा है वो फायदेमंद तो है लेकिन खतरनाक भी है, कि हमें हैकिंग का हम शिकार बने और हमें पता भी नहीं चला. तो इस टूल से हम पता कर सकते हैं कि पास्ट में हमारा डेटा ब्रीच हुआ या नहीं. And that is why we know कि हमें सुरक्षित रहना है. So तभी बहुत ज्यादा जरूरत है मोबाइल सिक्योरिटी की, क्योंकि कई बार हम जानते हैं कि हम वाईफाई, पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं,
या एयरपोर्ट पे या होटल में वाईफाई यूज करते हैं, और मैं आपको बता दूं जो पब्लिक वाईफाई हम यूज करते हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एक मीडियोकर हैकर भी अगर उस वाईफाई के नेटवर्क पे है जिस वाईफाई को आप यूज कर रहे हो, तो वो आपके अकाउंट में इंट्रूड कर सकता है और आपका डेटा चोरी कर सकता है। हम अपने फोन्स में बैंकिंग की, रिजर्वेशन की, ऑनलाइन डिलीवरी, गेम्स, कितनी सारी एप्स डाउनलोड कर करते हैं, और हमें ये नहीं मालूम कि वो एप्स जेन्युइन हैं या उसमें से कुछ एप्स ऐसी हैं जो सेंध मारी कर रही हैं या जो चोरी कर रही हैं हमारे डेटा की। और कई बार हम कुछ मूवी कंटेंट या एंटरटेनमेंट कंटेंट को अनलॉक करने के लिए कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां से भी हमारा डेटा चोरी हो सकता है। और हमें कई बार फेक एसएमएस भी आते हैं कि आपने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं, इस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन जब हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे अकाउंट से ही पैसा निकल गया। एंड दैट इज वाई वी नीड मोबाइल सिक्योरिटी। हमारे मोबाइल को हमारे बारे में हमसे भी ज्यादा मालूम है। हमारी मेमोरी, हमारी याददाश्त इतनी नहीं है जितनी हमारे मोबाइल की है। सो कोई भी प्राइवेसी आजकल इस जमाने में नहीं रह गई। इनफैक्ट आपने कई बार ये ऑब्जर्व किया होगा कि आप किसी google.com पर गए और आपने कुछ सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने सर्च किया लेट्स से सम शूज, और जो आपने सर्च किया वो आपके फेसबुक फीड में भी कुछ वैसी ही एड्स आनी शुरू हो गई। कैसे मालूम चला फेसबुक को कि आपने गूगल पे जाके क्या सर्च किया था? कोई भी ब्राउजिंग हिस्ट्री प्राइवेट नहीं है आज के टाइम में। ISP हो, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, आपका ब्राउजर हो, आपके मोबाइल में जो एप्स इंस्टॉल्ड हैं, उन्हें मालूम है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं, आप क्या क्या वेबसाइट जा रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, और उनके पास आपकी प्राइवेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक फोटोग्राफ्स, लाइक पासवर्ड्स, लाइक ईमेल आईडीज भी हो सकती हैं। और इस ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ वो आपके नेट बैंकिंग एप्स में भी लॉग इन करके वहां से पैसा निकाल सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी स्केरी एंड ड्रामना। और आप यहां पे देख रहे हैं न्यूज कटिंग्स में कि तकरीबन 2019 के साल में 1.5 करोड़ मोबाइल फोन्स इंडिया में हैक किए गए थे। कई सारे वायरसेस एंड्रॉयड के डिवाइसेस में आ चुके हैं, इन्फेक्शन हो चुकी है एंड्रॉयड के डिवाइसेस में, और वहां से डेटा लीक हो रहा है। नाउ इससे बचने का तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना हो, मोबाइल सिक्योरिटी रहे, आप सेफली मोबाइल को, इंटरनेट को एक्सेस करें, तो जो तरीका है जिसको आज हम लॉन्च करने वाले हैं कल के दिन में, उसका नाम है माइटी गार्ड, जो कि एक मोबाइल सिक्योरिटी ऐप है, मिलिट्री ग्रेड है, और इसमें जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की है वो एक इजरायली टेक्नोलॉजी है। जो इंजीनियर्स ने इस माइटी गार्ड ऐप को बनाया है वो इजराइल में बेस्ड हैं, और इजराइल, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी इजराइल की मानी जाती है जब हम बात करते हैं डिजिटल सिक्योरिटी की या डिजिटल सर्वेलेंस की। अपने आसपास इजराइल के जितने भी देश हैं वो सारे दुश्मन देश हैं, उनसे बचने के लिए इजराइल ने अपने आप को इतना डिजिटली स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि वो अब नंबर वन बन चुका है डिजिटल सर्वेलेंस टेक्नोलॉजीज में। और वैसी ही टेक्नोलॉजी मिलिट्री ग्रेड हमने यूज की है माइटी गार्ड में, और माइटी गार्ड आपको आजादी देता है हर तरह के इंटरनेट थ्रेट से, किसी भी मॉलवेयर के अटैक से, किसी भी हैकिंग के अटैक से, और आप आजादी से बिना किसी टेंशन के आजाद होकर इंटरनेट को यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, और इंटरनेट का भरपूर फायदा और बेनिफिट ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के आजाद होकर। तो आइए देखते हैं माइटी गार्ड आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। सो माइटी गार्ड आपको देगा एंटी थेफ्ट फीचर, अगर फोन चोरी हो जाता है तो उसके बाद आप अपने फोन को रिमोटली ब्लॉक कर सकते हैं, ऐप लॉक फीचर, इंट्रूडर अलर्ट, कॉल ब्लॉकर, पेरेंटल कंट्रोल, डेटा ब्रीच, प्राइवेसी एडवाइजरी एंड सिक्योर VPN। फायदे इसके ये हैं कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं तो वो प्राइवेट ब्राउजिंग है, आपके ISP को भी नहीं पता चलेगा कि आपकी ब्राउजिंग हैबिट्स कौन सी हैं, तो आप एनोनिमसली ब्राउज कर सकते हैं। वेब सिक्योरिटी है, अगर आप एक पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं
तो भी आपका जो आईपी है वो हिडन है, यानी कि वाईफाई पे कोई भी हैकर आपको पहचान नहीं सकता और आपके मोबाइल फोन में एंट्री नहीं ले सकता। और जैसे कि मैंने बताया, जो भी डेटा ट्रांसफर है वो मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन है। अगर कोई देखना भी चाहे और किसी तरीके से एंटर भी कर ले और आपका डेटा उसको मिल भी जाए, तो भी वो डेटा पढ़ नहीं पाएगा, बिकॉज वो एनक्रिप्टेड है एंड दिस इज मिलिट्री ग्रेड एनक्रिप्शन। आइए फटाफट हर एक बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट है वो है एंटी थेफ्ट। जब आप इस को एक्टिवेट करेंगे माइटी गार्ड ऐप में, और इसमें कई सारे फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ द डिवाइस, आपको मालूम चल जाएगा कि आपका डिवाइस कहां पर पड़ा है, उसकी लोकेशन क्या है। लॉक डिवाइस रिमोटली, यानी कि आप अगर किसी ने आपका फोन चोरी कर लिया तो आप अपनी डिवाइस को रिमोटली लॉक कर सकते हैं, तो वो चोर ने बेशक फिजिकली आपका मोबाइल फोन चोरी कर लिया लेकिन वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। रिमोट सायरन की एक फैसिलिटी है, फोन बजना शुरू हो जाएगा, सायरन बजना शुरू हो जाएगा, और स्नैपशॉट ऑफ द थीफ, और अगर वो चोर फोन में एंट्री लेने की कोशिश करता है, पासवर्ड डालने की कोशिश करेगा, और अगर उसने 3 बार पासवर्ड गलत डाल दिया तो उसकी सेल्फी क्लिक हो जाएगी और उसका स्नैपशॉट कैप्चर हो जाएगा। सेकेंड फीचर इज द ऐप लॉक फीचर। कुछ वेबसाइट्स या कुछ ऐप्स ऐसी होंगी जो आप चाहते हैं कि वो सिर्फ आप ही यूज करें, कोई और यूज ना करें आपके मोबाइल फोन्स में, चाहे वो फॉर एग्जांपल आपकी बिजनेस क्रिटिकल कोई ऐप है, जैसे हमारा modi.com ऐप है, यू वॉन्ट कि सिर्फ आप ही उसको यूज करें, तो आप एक ऐप लॉक फीचर इसमें एक्टिवेट कर सकते हैं। उस ऐप को यूज करने से पहले माइटी गार्ड आपसे पिन मांगेगा, आप पिन डालेंगे जो सिर्फ आपको ही मालूम होगा, तभी उस ऐप को आप यूज कर पाएंगे, तो आपके बिना कोई भी ऐप को यूज नहीं कर सकता आपके अलावा। देन देयर इज इंट्रूडर अलर्ट। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल फीचर। फॉर एग्जांपल आपका फोन कहीं पे 15-20 मिनट के लिए पड़ा है, आपको ध्यान में नहीं रहा, कोई व्यक्ति आता है और वो आपके फोन का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, और अगर आपने पासवर्ड डाला हुआ है तो वो पासवर्ड एंटर करेगा, अगर 3 बार से ज्यादा पासवर्ड डल गया, गलत 3 बार से ज्यादा गलत पासवर्ड उन्होंने डाल दिया, तो ये माइटी गार्ड की ऐप ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति की फोटो खींच लेगी और आपको मालूम चल जाएगा कि आपकी परमिशन के बिना किसने आपके मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी। देन द फोर्थ फीचर इज कॉल ब्लॉकर। बहुत सारी फ्रॉड कॉल्स आती हैं, अनवांटेड कॉल्स आती हैं, यू नो मार्केटिंग वालों की बहुत सारी कॉल्स आती हैं, आप उन नंबर्स को ब्लॉक कर सकते हो इस फीचर को यूज करके। पेरेंटल कंट्रोल फीचर है, बहुत सारी वेबसाइट्स या एप्स या कॉन्टेंट ऐसा है जो आप चाहते हो कि बच्चे ना देखें, यू नो बच्चे आजकल नेटफ्लिक्स पे या हॉटस्टार पे मूवीज देखते रहते हैं, बट आप चाहते हो कि वो थोड़ा पढ़ाई में मन लगाएं, तो आप पेरेंटल लॉक फीचर जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जो वेबसाइट्स चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए सूटेबल नहीं है, बच्चे उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सिक्स्थ इज द डेटा ब्रीच फीचर, जो हमने पहले भी देखा था mightyguardalert.modi.com पर जाकर। यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालें, अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली मेंबर्स की, और ये आपको बता देगा कि क्या पास्ट में कुछ भी डेटा ब्रीच हुआ था इस ईमेल आईडी से रिलेटेड या नहीं, एंड देन यू कैन टेक प्रिकॉशन। अगर आपको मालूम चल जाए कि कुछ डेटा ब्रीच हुआ था तो आप उस ईमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, या अगर वो ईमेल आईडी आपके किसी बैंकिंग अकाउंट के साथ भी जुड़ी हुई है तो आप वहां पे अपना ईमेल आईडी भी चेंज करा सकते हैं। फीचर नंबर 7 इज प्राइवेसी एडवाइजरी। हम कई बार कई सारी एप्स जब इंस्टॉल करते हैं तो वो एप्स हमसे परमिशन मांगता है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करने के लिए या कैमरा एक्सेस करने के लिए, और हम ज्यादा गौर किए बिना जितनी भी परमिशंस उस ऐप ने हमसे मांगी हम सबके ऊपर यस 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 क्लिक करते जाते हैं। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐप्स हमारा सेंसिटिव डेटा चोरी करना चाहे, तो इस फीचर में हमें ये मालूम चलेगा कि हमारे फोन में इस समय कौन सी ऐप इंस्टॉल्ड है और हमने उस ऐप को कौन कौन सी परमिशन दी हुई है। हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, फिर जिस परमिशन को हम रिवॉक करना चाहें या रखना चाहें वो हम डिसाइड कर सकते हैं। फीचर नंबर 8 एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर इज अ सिक्योर VPN। आप इस सिक्योर VPN को जब आप एक्टिवेट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप अपना सर्वर चूज कर सकते हैं।
आप इंडिया का सर्वर चूज कर सकते हैं या अमेरिका का सर्वर चूज कर सकते हैं या सम यूरोपियन कंट्री का सर्वर चूज कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि जब आप सिक्योर वीपीएन यूज करके इंटरनेट को ब्राउज करेंगे तो एक तो आपका आईपी जो इंटरनेट एड्रेस है, जो इंटरनेट लोकेशन है, वो किसी को मालूम नहीं चलेगी, वो हिडन हो जाएगी। और दूसरा ये भी है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉन्टेंट जो आप इंडिया में देख सकते हैं लेकिन जब आप इंडिया से बाहर गए वहां पर वो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो मुझे याद आ रहा है, जैसे एक वेबसाइट है हॉटस्टार, हॉटस्टार इंडिया में बहुत पॉपुलर है। मैं उसके ऊपर क्रिकेट हमेशा देखता रहता हूँ, जब भी क्रिकेट का मैच होता है। लेकिन जब आप मिडल ईस्ट में होते हैं, जब कभी आप दुबई में होते हैं, तो हॉटस्टार वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो आप वहाँ पे वीपीएन यूज करिए, इंडिया वाला सर्वर चूज कर लें, क्योंकि हॉटस्टार इंडिया में अलाउड है, तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड दिस ऑल्सो गिव्स यू यू नो दी बेनिफिट ऑफ प्राइवेट ब्राउजिंग। आप वाईफाई यूज कर रहे हो लेकिन कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा, आपका जो इंटरनेट के ऊपर आइडेंटिटी है वो एनोनिमस रहेगी और सिक्योर तरीके से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो ये ऐप आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, आपको उन परमिशंस को अलाउ करना है। बहुत ही क्लियरली ये आपको बताएगा कि क्या क्या परमिशंस ये ऐप ले रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल ऐप। और यू नो तो इस तरह का एक होम स्क्रीन रहेगा जिसके ऊपर ये आठों फीचर्स आपके एक्टिवेटेड है या नहीं है ये दिखाएगा। अगर फीचर एक्टिवेटेड है तो डार्क कलर में रहेगा, जैसे कि आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हो। अगर एक्टिवेटेड नहीं है तो वो लाइट ग्रे कलर में रहेगा। आप उस फीचर के ऊपर टैब करके उस फीचर को अगेन एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉरगेट पासवर्ड, ये सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। और नाउ मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि इसका एमआरपी और डीपी कितना है, तो जानना चाहेंगे और कितना बीवी आपको मिलेगा। सो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है आपके बिजनेस में कई गुना ग्रोथ लाने वाला है। सो इसका जो एमआरपी है माइटी गार्ड का, दिस इज 799 रुपी एंड डीपी इज 666 एंड द बिजनेस वॉल्यूम इज 60% विच इज 399 रुपी। पीवी आपको मिल जाता है 14.78। सो दिस इज अमेजिंग। हर किसी के फोन में, जो भी अगर स्मार्टफोन यूज कर रहा है, ये ऐप होना चाहिए। आजकल चोरियां फिजिकली नहीं हो रही, लॉकडाउन में सारे लोग घर हैं, कौन चोर आएगा चोरी करने के लिए। आजकल चोरियां हो रही हैं डिजिटली और बिना हमें पता चले चोरी हो जाती है और हमें खबर भी नहीं पड़ती। सो दिस इज द चौकीदार, दिस इज द माइटी गार्ड, इंटरनेशनल मिलिट्री ग्रेड। और जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज लॉकडाउन प्रूफ। कोई कोरियर की जरूरत नहीं है इसको खरीदने के लिए, बेचने के लिए। modigar.com पे जाएं, जैसे आप नॉर्मल परचेजिंग करते हैं प्रोडक्ट की वैसे परचेज करें। SMS आएगा, उसमें एक्टिवेशन लिंक होगा, उसके ऊपर क्लिक करें और बहुत आसानी से ये आप परचेज करके यूज कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लें। एक्टिवेशन लिंक के थ्रू आपका मोबाइल नंबर जो आप डालेंगे वो यूजर नेम रहेगा, आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। यूजर नेम और पासवर्ड से आप एंट्री करेंगे, लॉग इन करेंगे ऐप में, और जब से आप इसको यूज करना शुरू करते हैं तब से आप आजादी से इंटरनेट यूज कर सकते हो और बिना किसी इंटरनेट थ्रेट के, मालवेयर के डर के, यू कैन यूज इंटरनेट टू प्रोडक्टिवली बिल्ड योर बिजनेस। थैंक यू सो मच।